अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस वीकेंड का व्लॉग है और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि इस वीकेंड पे हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग गए थे डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में, जो कि अल्बर्शा में है। इसकी दूसरी भी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों गए थे आगे बताती हूँ। मेरा भाई आया था पाकिस्तान से और हम लोग गए थे उसे मिलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होटल था ये, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। और ये नाइट टाइम है और नाइट टाइम में इतनी क्लियर वीडियो तो नहीं बनी थी, डे टाइम में भी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि फिर काफ़ी बिजी रहे हम लोग बाहर आने जाने में, बातें करने में, घूमने में। तो ये नाइट टाइम की वीडियो है, इतनी क्लियर नहीं है, डार्क है थोड़ा सा। लेकिन ऑल्दो ये होटल जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी होटल्स में स्टे किए हैं और ये भी उसकी तरह का ही एक होटल था, अच्छा था। और हम लोग आए थे यहाँ पे भाई को मिलने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे थे, अंदर एंटर हो रहे थे, मैं, बेटा और हस्बैंड थे। और ये आपको दिखा रही हूँ, ये इसका कॉरिडोर है और सिटिंग एरिया बना हुआ है और रिसेप्शन है ये सारा। तो यहाँ से हम होते हुए अपने पासपोर्ट वगैरह हम लोगों ने दिखाए, और क्योंकि उसके बगैर एंट्री नहीं है और कोई कोविड टेस्ट नहीं उन लोगों ने हमारा किया, बस हम लोगों ने अपना उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया और फिर हम लोगों को जाने दिया। और हमें ये डाउट था कि ये ना हो कि वो ये कंडीशन रखते कि आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि कोरोना वायरस है तो फिर डर ही लगा रहता है कि कोई ना कोई नया असूल सामने ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे थे और ये मैंने पहना हुआ था, मैंने H&M का टॉप पहना था, नीचे जीन्स थी, और ये बेटा और हस्बैंड थे और हम अब हम लोग एंटर हो रहे थे। और यहाँ पे हमारा सामान आ रहा था, बेल बॉय हमारा सामान लेकर आ रहा था। दरअसल बहुत ही अचानक आने का मूड बना, हमारा मूड जो था वो नेक्स्ट वीक आने का था, लेकिन फिर हमारा मूड बन गया, हमने कहा चलो चलते हैं। और जल्दी जल्दी में मैं जैसे ही सामान पैक करना कर सकी मैंने कर लिया। मैंने हैंड कैरी में सामान पैक करना था, लेकिन हैंड कैरी जो है वो कबर्ड के ऊपर पड़ी हुई है और मुझसे उसे नीचे लाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और वैसे भी उसमें भी सामान था। तो जो बैग वगैरह सामने आए मैंने उसमें जल्दी जल्दी से चीज़ें डाली और हस्बैंड आए अपनी अपने काम से फारिग हो गए, तो फिर हम लोग निकल आए। और ये तकरीबन रात के 9-10 बजे का टाइम हो गया था, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। तो इस वक्त हस्बैंड को फुल भूख लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने दोपहर का अर्ली लंच किया होता है और रात के टाइम फिर उन्होंने जल्दी ही खाना खाना होता है। लेकिन अभी हम यहाँ निकल आए, मैं रास्ते में हस्बैंड को बोलती रही कि चले आप डिनर कर लें, कुछ खा लें, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अच्छा नहीं लगता, अब हम उसे मिलेंगे तो फिर ही डिनर करेंगे। तो यहाँ पे ये भाई है और ये मिल रहा था सबसे, और अभी ये मेरे साथ मिलने के लिए आ रहा था। और तकरीबन हम लोग 1 साल के बाद मिले हैं, 1 साल पहले हम पाकिस्तान में थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और पहले मेरा भाई जो था वो भी यहाँ दुबई में ही रहता था 4 ईयर्स पहले, उसके बाद वो दूसरे कंट्री में चला गया, फिर किसी तीसरे कंट्री में चला गया, अभी वो फिर यहाँ से आ गया माशाल्लाह, और हमारा फिर से एक फैमिली लेवल पर मिलना मिलाना हो गया है। और अभी माशाल्लाह से मेरे भाइयों की शादी है पाकिस्तान में और मैं बहुत ही जल्द प्लान कर रही हूँ पाकिस्तान जाने का, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे भाई जो है वो मेरे बेटे से प्यार कर रहा है, मेरा बेटा क्या वो उसे अपना ही बेटा मानता है और बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और मेरे बेटे का भी अपने मामू के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार है माशाल्लाह से। मेरे बेटे के 3 मामू हैं और तीनों मामुओं के साथ ही प्यार है, लेकिन बड़े वाले से बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि ये इसी कंट्री में रहा है हमारे साथ और हमारा काफी टाइम आपस में मिलना मिलाना होता रहा है। और अभी माशाल्लाह से इसकी शादी हो जाएगी और फिर इसकी ब्राइड आएगी, यहाँ पे इसकी वाइफ आएगी, और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते रहेंगे।
आपस में, क्योंकि ये जो कंट्री है दुबई, इसमें आप बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील करते हो, कभी कभी तो आपको इतना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप लोग बाहर जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, हर तरह की चीज मुहैया आपको, खाने पीने की हर तरह की। लेकिन यहाँ पे जो चीज नहीं है वो ये नहीं है कि यहाँ पे आपको अपने बहन भाई नहीं नजर आते, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों से आप इतने दूर होते हो। और खासतौर पर जब कोई त्योहार आता है, तो बाय द वे यहाँ पे मैं बता दूं कि हम लोग निकले हुए हैं डिनर के लिए, हम सोच रहे हैं कि हम लोग क्या खाएं, तो क्योंकि सबको काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। तो बात यही है कि परदेश तो परदेश ही है, और यहाँ पे तो मुझे तो रहते हुए 9 से 10 साल हो गया, मुझे तो काफी आदत हो गई है, लेकिन जो नए नए लोग होते हैं उन्हें एडजस्ट होने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। मैं एक कंबाइंड फैमिली में आई थी और हम लोग 8-9 लोग थे, तो मुझे तो जब मैं आई थी शादी के बाद इतना ज्यादा फील नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो मेरी भाभी आने वाली है, मेरे भाई की वाइफ, वो शायद लोनली फील करेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसे मैं लोनली फील नहीं करने दूंगी। इंशाल्लाह ताला उसे बाहर ले जाऊंगी, घूमे भी लेंगे, उसे कभी अपने घर ले आया करूंगी, तो उसका थोड़ा दिल लग जाएगा। अदरवाइज वो मासूम सी बच्ची है, अभी उसकी नई नई शादी होगी, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मे भी लोनली फील करे, क्योंकि वो एक कंबाइंड फैमिली से आ रही है और माशाल्लाह से उसका काफी बड़ा खानदान है, और वो बचपन से इतनी कंबाइंड फैमिली में रही है, और अभी अचानक से वो अकेली यहाँ आएगी तो काफी ज्यादा लोनली फील करेगी। लेकिन सोचा ये हुआ कि उसे लोनली फील नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला से। तो यही है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप अपनों को याद करते हो, अपने बहन भाइयों को। और यहाँ पे अगर आपका कोई बहन भाई हो जाता है तो आपको एक फैमिली फैमिली सा फील हो जाता है, वरना यहाँ पे आपके बच्चे भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जैसी पाकिस्तान में होती है। तो कभी कभी तो अपनों की बहुत ही ज्यादा याद आती है, अपनी कंट्री की, अपने बहन भाइयों की, वो हल्ला गुल्ला रिश्तेदारों का इकट्ठा हो जाना। और पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम लोग रिश्तेदारों की वजह से डिस्टर्ब हैं, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो रिश्तेदार क्यों नहीं है। तो इंसान जो है ना, उसकी फितरत ही ऐसी है, वो किसी भी चीज में खुश नहीं होता, ना 3 में ना 13 में, ना शुक्रिया जो है वो हमारी ना नस नस में बढ़ी हुई है, ना हम रिश्तेदारों के साथ खुश होते हैं और ना ही रिश्तेदारों के बगैर। एनीवेज यहाँ पे हम लोग पहले गए थे दिल्ली दरबार में, वहां पे हमें सीट नहीं मिली, बहुत ही ज्यादा क्राउड था क्योंकि फ्राइडे नाइट थी। और फिर हम लोग आगे पिज्जा हट में, ऑल द बेस्ट है, जब भी कुछ नहीं समझ आए तो जाके फास्ट फूड खा लो। तो पिज्जा हट में चले गए थे, वहां से डिनर किया, डिनर करने के बाद अभी आगे थे घर में। और ये जो है मेरा बेटा, इसको मैंने सुला दिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन से इसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी जाके मामू से मिलने की, और मामू से ज्यादा मिलने की इसे इस होटल में आने की एक्साइटमेंट थी। क्योंकि हमारा ये होता है कि हम जो छोटी ईद आती है उसमें हम लोग चले जाते हैं किसी होटल में, बड़ी ईद में तो हम लोग कुर्बानी वगैरह कर लेते हैं, मीट वगैरह में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे भी इवन कि अगर हम कुर्बानी कर लेते हैं तो हम मीट वगैरह को संभाल में या एक आधा दिन बाहर गुजारने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन छोटी ईद में ऐसा होता है कि हम लोग किसी होटल में बुकिंग करवा लेते हैं। अदरवाइज घर में रह के छुट्टियों के दिनों में दीवारें दे के तो आप तंग ही आ जाते हैं, और बाहर भी इंसान यहाँ पे कहाँ घूमने जाए और कितना को घूमने जाए, आ जाके मॉल्स ही हैं यहाँ पे, और वहां भी चल चल के टांगे टूट जाती है। और हमें तकरीबन 2 साल हो गए हम लोग किसी होटल्स वगैरह में नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला कमिंग ईद में हम लोग किसी होटल में बुकिंग करवाएंगे। तो इसलिए बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था होटल आने के लिए। और ये नाइट टाइम खत्म हो गया था, मैंने होटल की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, इतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि यहाँ होटल की जो लाइट्स है वो भी बहुत डिम होती है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, ब्रेकफास्ट आया था, काफी ज्यादा ब्रेकफास्ट था। और रात में हम वैसे भी नीचे सुपरमार्केट थी, जब हम लोग रात डिनर से फारिग हुए थे तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की चीजें हम लोग ले आए थे। तो ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए तो ये मैं बाहर की थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पूल में। इस होटल में जो है वो पूल भी है, और मेरा बेटा इसलिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक है, और यहाँ पे होटल में बहुत ही अच्छा था स्विमिंग पूल। 2 पूल्स थे इसमें, एक एडल्ट्स के लिए था और एक किड्स के लिए था, और किड्स वाला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी कि बच्चा जो है वो स्विमिंग पूल की पैंट में आएगा, फिर जाके उसकी पैंट का अरेंज किया और वो लेकर आई, और वो उसे पहना के काफी घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग की, और बिलीव मी बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि एक
लॉन्ग अरसे के बाद हम लोगों ने स्विमिंग की है। खैर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही की थी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्निश वगैरह पे हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे, मतलब के थोड़ा सा स्विम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल में शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही किया। हस्बैंड ने तो काफ़ी टाइम किया और मेरे बेटे ने भी शायद पहली दफ़ा ही की है, और काफ़ी ज़्यादा उसने इंजॉय किया था। और अभी हम लोग जो थे वो वापस जा रहे थे ऊपर होटल की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन शायद हम नीचे गाड़ी में अपना कुछ सामान भूल गए थे। वो दोबारा हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे अपना वही सामान लेने के लिए, तो बस ये ऊपर नीचे आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी हमारी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, अच्छा वीकेंड गुजरा था। पूरा हफ्ता आपका बच्चे के साथ खप के लगता है, बच्चे के साथ ई लर्निंग करवाने में, खैर एक हों दो हों मेहनत तो बराबर की ही करवानी पड़ती है, तो वीकेंड अच्छा गुजर जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग आए, बाथ लिया, बाथ लेने के बाद ये नेक्स्ट डे था, वही डे था, नाइट का टाइम था, और अभी हम लोग आ गए थे होटल में। ये उसके होटल के बिल्कुल पास ही जो है वो एमिरेट्स मॉल है, तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स में हम एंटर हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अभी जब से हम आए हुए हैं, हम रात को बस बाहर गए थे और सारा टाइम हम होटल के अंदर ही रहे हैं, मॉर्निंग में भी और दोपहर के टाइम भी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था खाना, तो अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, बैठ के थोड़ी सी बातें करेंगे। बातें तो खैर हमारी रात की ही ख़त्म नहीं हो रही थी, काफ़ी मतलब के मज़ा आया। और अब आपके जितने भी यहाँ पे दोस्त हों और जितना भी सब कुछ हो, लेकिन अपने बहन भाई की बात एक और ही होती है, 100 तरह की फैमिली की बातें होती हैं, दोस्तों की भी अपनी एक जगह होती है आपकी जिंदगी में, बहन भाइयों की भी एक अपनी ही जगह होती है। दोस्तों के साथ आप वो बातें नहीं कर सकते जो आप बहन भाइयों के साथ कर सकते हो, और बहन भाइयों के साथ आप वो सारी बातें नहीं कर सकते जो दोस्तों के साथ कर सकते हो। तो हर रिलेशन के साथ हमारा एक अलहदा सा ही मतलब के होता है मिलना मिलाना, गुफ्तगु का तरीका और बातें, तो काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स भी होने चाहिए लाइफ में, अच्छे दोस्त होना भी बहुत ही बड़ी नेमत है, और बहन भाई भी, तो इंसान को ज़िंदगी बोर नहीं लगती। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम अकेला रही हूँ और मैं बहुत बहुत लोनली फील करती थी। ऑल्दो आपके हस्बैंड सबसे बड़े आपके फ्रेंड होते हैं, आपकी औलाद होती है, लेकिन फिर भी कंपेनियंस जो होते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, आपको अच्छा फील होता है। तो बस अब हम यहाँ पे मॉल आ गए थे और हम लोग घूम फिर रहे थे, और अभी तकरीबन 8 o'clock का टाइम हो गया था, और इतनी कुछ ज़्यादा भूख लग गई थी, पता नहीं क्या रीज़न है, स्विमिंग करने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी है और प्यास बहुत ज़्यादा लगी, और हम लोग यहाँ पे करने लगे थे डिनर, और डिनर करने के बाद हम लोग फ़ौरन निकलेंगे, क्योंकि भाई को भी काम है, उसने भी अपनी प्लानिंग करनी है अभी मज़ीद, उसने क्या करना है यहाँ पे, जॉब उसकी स्टार्ट है माशाल्लाह से यहाँ पे, और वो अपनी प्रिपरेशन करेगा अपने जॉब पे जाने के लिए, और हम लोगों ने भी जाना था घर में, और वर्षा से अजमान तक जाना भी 1.5 घंटे का रास्ता था, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा और घूमे, और फिर हम लोग निकल गए थे, और 2 दिन गुजारे हम लोगों ने वहाँ, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं अभी हम आए और अभी हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा वीकेंड गुजर गया था, मज़ा आया था, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो और मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। बेटे ने भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और वो तो स्विमिंग पूल से ही नहीं निकल रहा था, उसे तो नहाने का इतना ज़्यादा शौक हुआ है स्विमिंग पूल में कि बस। एनीवेज नेक्स्ट उसे सारी किट लेकर दूंगी, तो फिर वो स्विमिंग पूल में जाके नहाएगा। तो ये था मेरा व्लॉग, आज का वीकेंड का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी शेयरिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।